Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel. Today's topic of my video is The Canterbury Tales. The Canterbury Tales was written by Chaucer and it was written during his English period. फ्रेंड्स, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि चौसर के वर्क को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड. एंड दिस वर्क इज रिटन ड्यूरिंग इंग्लिश पीरियड और दिस इज रिटन इन मिड इंग्लैंड डायलेक्ट. मिड इंग्लैंड डायलेक्ट में ये लिखा गया है. द कैंटरबरी टेल्स इज वेरी मच सिमिलर टू बोकैशियोस डेकामेरन. चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकैशियोस डेकामेरन. बोकैशियो एक इटालियन पोएट थे और उनका वर्क था डेकामेरन एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकैशियोस डेकामेरन. द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट. दैट मीन्स इट वॉज रिटन इन राइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर. कैंटरबरी टेल्स में अप्रैल मंथ की बात की गई है. It opens with the April month. April month is said to be the beginning of the spring season. और इस month में people from different part of the city, pilgrims from different part of the city, they meet at Tabard Inn. Tabard Inn में pilgrims सारे assemble होते हैं and Tabard Inn is situated in Southwark. Southwark is in London. So people are, pilgrims are going from London to Canterbury. लंदन से कैंटरबरी जाते हैं टू विजिट द श्राइन ऑफ थॉमस ए बेकेट. थॉमस ए बेकेट वॉज द आर्क बिशप हु वॉज मार्टेड, जो कि शहीद हुए थे कैंटरबरी कैथेड्रल में 1170 में. सो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाय चौसर. नेम द पोएट एंड द पोएम विच इन्फ्लुएंस्ड कैंटरबरी टेल्स. The Canterbury Tales was influenced by Boccaccio's Decameron. The Canterbury Tales was written in heroic couplet. Which month is mentioned in Canterbury Tales? It is April. Where did all the pilgrims assemble? All the pilgrims assembled at Tabard Inn. Where were all the pilgrims going? All the pilgrims were going from London to Canterbury to visit the shrine of Thomas A. Becket. When was Thomas A. Becket martyred? Thomas A. Becket was martyred in 1170. In which language Canterbury Tales was written? The Canterbury Tales was written in Mid England dialect. So these are the questions which can be asked from the Canterbury Tales. T.S. Eliot ka ek play tha, The Murder in the Cathedral, jisme unhone Archbishop Thomas A. Becket ki assassination, unka murder dikhaya hai. और उनका मर्डर होता है कैंटरबरी कैथेड्रल में इन 1170. सो इनका प्ले इज बेस्ड ऑन द एसेसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस ए बेकेट. टीएस इलियट. टीएस इलियट ने अपनी पोयम द वेस्टलैंड में भी अप्रैल के बारे में लिखा है. उनकी ओपनिंग लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ. जबकि ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है व्हेन द अप्रैल विद हिज शॉर्स सूट. मीन्स प्रोलॉग में अप्रैल को मंथ कहा गया है जो कि बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन है. जबकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड को में अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ कहा है. सो दिस इज आयरनिक इको ऑफ द चौसर. सभी मेंबर्स, सभी पिलग्रिम्स टाबार्ड इन में मिलते हैं. टाबार्ड इन इज सिचुएटेड इन साउथवर्क और इनके मालिक होते हैं हैरी बेली. सो हैरी बेली इसमें होस्ट का रोल प्ले करते हैं. टोटल पिलग्रिम्स जो वहां पर असेंबल होते हैं टाबार्ड इन में वो होते हैं 29 और एक चौसर, तो टोटल पिलग्रिम्स 30 हो जाते हैं. और हैरी बेली इन 30 पिलग्रिम्स को कहते हैं कि आपको दो स्टोरीज, दो टेल्स लंदन से कैंटरबरी जाते वक्त सुनानी है हर पिलग्रिम को, और कैंटरबरी से लंदन आते वक्त दो स्टोरी सुनानी है. सो टोटल हर पिलग्रिम्स को 4 टेल्स सुनानी थी. 2 टेल्स वाइल गोइंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी एंड 2 टेल्स वाइल कमिंग बैक फ्रॉम कैंटरबरी टू लंदन हर पिलग्रिम को. सो टोटल 30 पिलग्रिम्स, 4 टेल्स बाय ईच पिलग्रिम, टोटल 120 टेल्स वर प्लान्ड. और ये कहा गया था
कि द बेस्ट टेल विल बी द बेस्ट टेल टेलर विल बी गिवन फ्री मील एट ताबार्ड इन ऑन रिटर्न जर्नी. जब कैंटरबरी से लंदन में वो आएंगे ताबार्ड इन में जो बेस्ट टेल टेलर होगा उसको फ्री मील दी जाएगी. दैट वॉज द रिवॉर्ड. 120 टेल्स वर प्लान्ड बट ओनली 24 टेल्स वर कंप्लीटेड. ओनली 24 टेल्स वर साइटेड जिसके अंदर 22 टेल्स वर्स टेल्स हैं और 2 टेल्स प्रोज टेल्स हैं. 2 टेल्स प्रोज में लिखी हैं एंड 22 टेल्स वर इन वर्स. 2 टेल्स जो कि प्रोज में लिखी हैं दे आर पार्सन्स टेल एंड मेलीबी टेल. पार्सन्स टेल एंड मेलीबी टेल दीज आर द टेल्स विच वर रिटन इन प्रोज. फर्स्ट टेल जो सुनाई जाती है दैट इज नाइट्स टेल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट टेल. फर्स्ट टेल नाइट्स टेल की है और लास्ट टेल पार्सन की टेल है. पार्सन टेल. पार्सन टेल इज द लास्ट टेल. फर्स्ट टेल इज द नाइट्स टेल एंड नाइट्स टेल इज द लॉन्गेस्ट टेल. चौसर ने भी 2 टेल सुनाई है दैट दे वर टेल ऑफ सर थोपस एंड मेलीबी टेल. दीज 2 टेल्स वर टोल्ड बाय चौसर. टेल ऑफ सर थोपस एंड मेलीबी टेल्स. कुछ इंपॉर्टेंट टेल्स हैं जैसे नाइट्स टेल, वाइफ ऑफ पाथ टेल, पार्सन्स टेल, मेलीबी टेल, पार्डनर टेल, फिजिशियन टेल, नंस पीस टेल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जॉन ब्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स के इतने सारे कैरेक्टराइजेशन को देखकर कहा था कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी. बहुत सारी कैरेक्टराइजेशन थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, इसलिए जॉन ड्राइडन ने लिखा था हियर इज गॉड्स प्लेंटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है हु हैड रिटन दिस. दिस वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन एंड व्हाई ही हैड रिटन. ही हैड रिटन फॉर कैंटरबरी टेल्स कैरेक्टराइजेशन. कैंटरबरी टेल के कैरेक्टराइजेशन के लिए उन्होंने ये लिखा था हियर इज गॉड्स प्लेंटी. नाउ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु गो टू कैंटरबरी वर 29 पिलग्रिम्स जो कि ताबार्ड इन में इकट्ठे हुए थे और एक चौसर. तो टोटल 30 पिलग्रिम्स, एक होस्ट हैरी बेली वो भी चले थे और एक कैनन का योमैन जिसने ग्रुप को बाद में ज्वाइन किया था. सो टोटल देयर वर 32 पीपल हु वेंट टू कैंटरबरी. अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स वर देयर, तो पिलग्रिम्स वर 30. And it can be asked how many pilgrims were there excluding Chaucer. So it would be 29 pilgrims excluding Chaucer. Chaucer से अलग 29 pilgrims है and including Chaucer there were 30 pilgrims. And host गए थे और canons के yeoman ने बाद में join किया था. So there were 32 people. Now अब प्रोलॉग टू कैंटरबरी के कैरेक्टर्स को देखते हैं. द फर्स्ट कैरेक्टर इज द नाइट. दिस ही बिलोंग टू द हाईएस्ट रैंकिंग. तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग द नाइट की थी. वो बहुत ही शिवेलरस था. शिवेलरस मींस बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और उसने 100 ईयर वॉर को भी लड़ाई की थी. 100 ईयर वॉर भी उसने लड़ी थी और अपने बोस्ट नहीं करता था. वो अपनी डीड्स के लिए ज़्यादा बोस्ट नहीं करता था. अपनी लड़ाइयों के लिए ज़्यादा वो तड़ियां भी नहीं मारता था. एंड ही वॉज नाउ ओल्ड एंड लैक लाइवलीनेस. अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसमें उतनी लाइवलीनेस नहीं थी. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हु फॉट 100 ईयर वॉज द नाइट एंड हु विच पिलग्रिम वॉज ऑफ हाइएस्ट रैंकिंग. ही वॉज द नाइट. द नाइट का बेटा था द स्क्वायर. ही वॉज द सन ऑफ द नाइट एंड ही वॉज लेडीज मैन. ही वॉज लस्टी मैन और लेडीज को लुभाने के लिए वो सॉन्ग्स को भी सिंग करता था, मेलेडीज कंपोज करता था एंड ही रोट पोएट्री ऑल्सो. और वो राइड भी करता था, हॉर्स राइडिंग भी करता था. सो ही इज इन अ वे ही हैज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स विथ नाइट. नाइट बूढ़ा था, ही वॉज यंग, उसमें लाइवलीनेस नहीं थी जबकि इसके अंदर लाइवलीनेस थी. वो बोस्टिंग नहीं करता था, ये बोस्टिंग बहुत ज़्यादा करता था. सो ये कंट्रास्ट है नाइट का एंड ही इज द सन. स्क्वायर इज द सन ऑफ नाइट. योमैन. योमैन वॉज अ सर्वेंट ऑफ नाइट एंड स्क्वायर. नाइट फादर, स्क्वायर सन एंड ही योमैन वॉज द सर्वेंट. योमैन की ड्रेसिंग सेंस थी. ड्रेसिंग में ग्रीन. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रीन एंड कैरीज लॉन्ग बो.
लॉन्ग बो लिया हुआ था एंड ही वॉज एंड ही हैड एक्सेलेंट शॉट विद हिज बो. उसके शॉट एक्सेलेंट थे. नेक्स्ट इज प्रायरस. प्रायरस वॉज नन. वो नन थी और प्रायरस का नाम था मैडम एग्लेंटाइन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वट वॉज द नेम ऑफ द प्रायरस. द नेम ऑफ द प्रायरस वॉज मैडम एग्लेंटाइन. और उसके ड्रेस में गोल्ड ब्रूच था और जिसमें लिखा हुआ था लव कॉन्कर्स ऑल. और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था लव कॉन्कर्स ऑल. सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि गोल्ड ब्रूच में क्या लिखा हुआ था. लव कॉन्कर्स ऑल. नेम द करेक्टर विच हैड गोल्ड ब्रूच इंस्क्राइब्ड इन लैटिन लव कॉन्कर्ड ऑल. इट वॉज द प्रायरस. What was the name of Prioress? Madam Eglantine. Prioress थी well bred, very mannerly और delicate. बहुत feminine features थे उसके अंदर. female features थे. female उसके अंदर characteristics थी. और अपने वो clothes को हमेशा clean रखती थी और बहुत ही neatly वो खाना खाती थी. वो nun थी but nun से पहले वो lady थी. lady first and foremost थी. उसके lady like characteristics थे. डेलिकेट और मैनरली लेडी थी वो. नेक्स्ट इज मोंक. मोंक की आयरनिक रिप्रेजेंटेशन इधर बताई गई है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चौसर के टाइम में चर्च बहुत ही ज्यादा करप्ट थे. तो इसके अंदर मोंक के बारे में बताया कि मोंक लव्ड हंटिंग एंड ईट फाइन फूड. फॉपिश क्लोथ्स थे. ही वॉज फैट जॉली एंड वाइल्ड. हिज फेवरेट फूड वॉज रोस्टेड स्वैन. He owned dog and horse whom he was proud. Dogs और horse उसने pet रखे हुए थे जिसपे वो बहुत ही ज़्यादा boast करता था. He cares little for the rules. Rules को वो follow बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कम करता था. He follows little for the. He cares little for the rules. Next character is the friar. Friar का नाम था Hubert. So this is again very important question. What was the name of friar? The name of the friar was Hubert. He got license to beg. Friar को license मिला हुआ था begging के लिए. तो वो लोगों की पिटी के साथ एक तरह से खेलता था. He played with the pity of people. And he was quite irreligious. Again ironic representation है. मर्चेंट. मर्चेंट एक्चुअली ही वॉज इन डेप्ट. उधार में था और बहुत श्रूड था. बहुत एरोगेंट था और वो अपने प्रॉफिट्स के बारे में बहुत बोस्ट करता था. बहुत उसने बताया था कि दैट वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा लेता है और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज एक्चुअली इन डेप्ट. वो एक्चुअली उधार में था. एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन इलीगल डीलिंग इन फॉरन एक्सचेंज. तो इलीगल एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व था मर्चेंट. Next character, Sergeant of Law. He was successful lawyer and he pretends to be busy and successful. So one question can come. Name the character in the prologue to Canterbury Tales who pretended to be very busy. So it was lawyer, Sergeant of Law. Next character, Doctor. Very important character. He had love for gold. Gold se usko bahut jyada pyar tha. He saved the income made from Black Death. ब्लैक टेथ से जितनी भी उसको पेशेंट से इनकम हुई थी उसने वो सारी इनकम सेव करी थी. एंड ही वॉज डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड था. सो क्वेश्चन कैन कम. नेम द करेक्टर हु लव्ड गोल्ड. डॉक्टर. नेम द करेक्टर हु वॉज डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी. अगेन इट इज डॉक्टर. वाइफ ऑफ बाथ. वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर. हर नेम वॉज एलिसन. So question can come, what was the name of wife of Bath? The name of wife of Bath was Ellison and she was married 5 times. 5 baar usne shaadi ki thi. She had white tooth apart. Uske jo tooth the bahut hi jyada khulle the. White tooth the. And she had a sexual appetite. Sexual appetite thi usko. And she refused to be dominated by men in marriage. मैरिज में वो रिफ्यूज करती थी कि मेन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए. एंड शी वॉज डेफ इन 1 ईयर. इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वाइफ ऑफ बाथ से. नेक्स्ट कैरेक्टर मिलर. मिलर जो थे वो चौसर ने मिलर के
फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. ही वॉज बिग, स्टाउट, ब्राउनी, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं मिलर के. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर वॉज पार्डनर. पार्डनर हैज गोट वॉइस. सो क्वेश्चन कैन कम, नेम द करेक्टर हु हैड गोट वॉइस. इट इज पार्डनर. ही वॉज सेलर ऑफ पेपल. ही फूल्स पीपल टू मेक मनी, लोगों को बेवकूफ बनाता था. एंड कैरी बैग्स फुल ऑफ रेलिक्स, बैग्स में उसके रेलिक्स होते थे जबकि वो लोगों को बेवकूफ बनाता था. सो ही वॉज ग्रीडी एंड हिपोक्रेट. नेक्स्ट करेक्टर प्लोमैन. प्लोमैन वॉज द ब्रदर ऑफ पार्सन एंड ही वॉज ऑनेस्ट इन हिज वर्क, बहुत ऑनेस्ट पर्सन था. एंड लाइक हिज ब्रदर ही इज वर्चुअस मैन. तो प्लोमैन और पार्सन दोनों ही ब्रदर्स थे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे. प्लोमैन जो था वो ऑनेस्ट था और पार्सन भी पुअर था बट होली एंड वर्चुअस मैन. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल्स. चौसर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, लाइक चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. हु सेड दिस? इट वॉज सेड बाय लॉस. लॉस सेड चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. चौसर इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ. विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी, रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है. द वेल ऑफ इंग्लिश अंडेफिल्ड. द वेल ऑफ इंग्लिश अंडेफिल्ड, दिस वॉज द टर्म गिवन टू चौसर बाय स्पेंसर. स्पेंसर ने चौसर को द वेल ऑफ इंग्लिश अंडेफिल्ड कहा था. हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड अकॉर्डिंग टू मैथ्यू ऑनर्ड, चौसर लैक हाई सीरियसनेस. तो ये हाई सीरियसनेस किस में नहीं थी? चौसर में नहीं थी. एंड इट दिस टर्म वॉज गिवन बाय मैथ्यू ऑनर्ड. हु कॉल्ड चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? मैथ्यू ऑनर्ड कॉल्ड चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. सो चौसर्स के कुछ कंटेम्परेरी थे लाइक जॉन गोवर, लैंगलैंड और विक्लिफ. ये चौसर के कंटेम्परेरी थे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.